बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल बॉडीज़ को तैयार करने वाले हैं। स्पेशल पैथोलॉजी की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं और कुछ सिस्टम की पैथोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक बॉडीज़ होती है, लाइक काउट्री बॉडी, डाउनी बॉडी, एशोफ बॉडी, हंटर बॉडी, हार्ट फेल्योर सेल। तो इस टाइप के जो पार्टिकुलर पॉइंट्स होती है किसी स्पेसिफिक पैथोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी बॉडीज़ को तैयार करने वाले हैं। सबसे पहला है एग फ्राइट न्यूक्लियाई। जो एग फ्राइट न्यूक्लियाई है ये आपको ओलिगोडेंड्रो में देखने को मिलता है। शिलर डिवाल्ट न्यूक्लियाई योर्क सैक ट्यूमर में होता है। कार्ल एक्जोनल बॉडी ग्रैनुलोसा ट्यूमर में होती है, ओके। जबकि एग फ्राइड न्यूक्लियाई ओलिगोडेंड्रो डेंड्रोसाइट के ट्यूमर में देखने को मिलता है। सिग्नेट सिंग सेल ये आपको म्यूसिन सिक्रेटिंग एडीनोकार्सिनोमा में देखने को मिलती है। स्टोमक के अंदर आपने सिग्नेट सिंग नहीं बल्कि रिंग आना चाहिए था। डिसजर्मिनोमा ये आपको किस में देखने को मिलता है, मेल्स में सेमिनोमा करवा देता है। एडीनोकार्सिनोमा में आपको बैक टू बैक ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स है तो वो हाइपरकैल्सीमिया करवा सकता है ड्यू टू पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ग्लीसन स्कोरिंग है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रोस्टेट के लिए इस्तेमाल होता है। नेग्री बॉडी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रेबीज के लिए पैथोग्नोमिक होती है। ग्वार्नेरी जिसको आप एसिडोफिलिक या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं, तो जो ग्वार्नेरी बॉडी है पॉक्स में देखने को मिलती है। आउल्स आउल्स में इंट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, आउल शेप होती है, तो वो आउल कह रहा हूँ, आउल शेप जो बॉडी होती है इंट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक, तो वो आपको साइटोमेगालो वायरस में देखने को मिलती है। डाउनी टाइप टू ये आपको एप्सटीन बार वायरस में देखने को मिलता है। एल डी बॉडी सब्सटेंशियल नाइग्रा के अंदर होती है, ओके। जेब्रा बॉडी लाइसोसोमल नीमैनपिक डिजीज के अंदर होती है। काउंसिल मैन बॉडी हेपेटाइटिस में होती है। सैमोमा बॉडी मेनेंजियोमा में होती है, कैपिलरी कैंसर में होती है, थायराइड के कैंसर में होती है, और ओवेरियन सिस्ट एडेनोमा में होती है। इन तीन चीजों के अंदर होती है। कार्ल एक्जनर बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। लूज बॉडी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होती है। रसल बॉडी डूचर बॉडीज ये लिम्फो प्लाज्मासिटिक लिम्फोमा में होती है। शिलर डुबल बॉडीज यॉर्क सैक ट्यूमर में होती है। वेरो के श्वानोमा में होता है। हंटर बॉडी हाशिमटू थायरोइडाइटिस के अंदर होता है। हर्थली सेल में ये हाशिमटोस में देखने को मिलता है। एशोफ बॉडी रियोमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलती है। हिरोनो बॉडी अल्जाइमर में होती है। फिरोजिनस बॉडी ये आपको देखने को मिलती है किसमें, फिरोजिनस बॉडी, ओके मैं थोड़ा जूम कर लूँ, तो फिराजिनस बॉडी है ये आपको देखने को मिलती है किस कंडीशन के अंदर, ये एस्बेस्टोस बॉडीज होती है जो कि आयटोन से या आयरन, असल में आयरन से कोटेड होती है। श्वेमान बॉडी सार्कोइडोसिस में होती है। एस्टेरॉइड बॉडी जो कि सैटेलाइट जॉइंट्स होती है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होती है, तो ये सार्कोइडोसिस के अंदर होती है, ओके। मेलोरी बॉडी जो कि साइटोस्केलेटल इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है, तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। होवल जॉली बॉडी न्यूक्लियर क्रोमेटिन का रेमिनेंट होता है, तो ये सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। पेपन हीनर बॉडीज जो कि आयरन के ऊपर कंपोजिट होती है, तो ये पोस्ट सप्लीनेक्टमी में देखने को मिलता है। हीन्स बॉडी डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। अल्फा थैलेसीमिया में भी देखने को मिलता है हीन्स बॉडी। डोहल बॉडी ल्यूकोसाइटोसिस में होता है। एवी बॉडी पार्किंसनिज्म के अंदर होता है। गैंडी गैमना बॉडी सिकल सेल डिजीज के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है। ओनियन स्किन अपीयरेंस हाइपरप्लास्टिक आर्टिराइटिस में और एविंग सार्कोमा में देखने को मिलता है। इसके अलावा ओनियन स्किन अपेरेंस आपको कोलनजाइटिस वगैरह में भी देखने को मिलता है। कोबल स्टोन अपेरेंस या स्ट्रिंग साइन आपको क्रॉन डिजीज में देखने को मिलता है। होबनेन लाइव अल्कोहलिक सिरोसिस में होता है। बीडेड अपेरेंस प्राइमरी सक्लोराइजिंग कोलनजाइटिस में होती है। कैनोन बाल अपेरेंस लंग्स एक्सरे हो तो वो मेटास्टेसिस ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा को इंडिकेट करती है। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस के अंदर होती है। स्विस चीज अपेरेंस मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में होती है। पिंक पफर एम्फाइसिमा में होता है। ब्लू ब्लॉटर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। सो बबल अपेरेंस जॉइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन में होता है। जंथल फाइबर पाइलोसिटिक एस्ट्रोमा में होता है, ओके। तो सो बबल अपेरेंस जॉइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन में देखने को मिलता है। ट्राइम ट्रैक अपेरेंस आपको किसमें देखता है, किसमें देखने को मिलती है, ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में देखने को मिलती है, ओके। आगे ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। ब्लू डोमड सिस्ट फाइब्रोसिस्टिक चेंज ऑफ डिजीज में देखने को मिलती है। कोड बैंड ट्रायंगल ऑस्टियोसार्कोमा में होता है। सिगरेट रिंग सेल गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा के अंदर होती है। लोबुलर कार्सिनोमा साइटो में भी देखने को मिलती है। ग्रेप लाइक लियन एम्ब्रियोनल रेप्डोमायोसार्कोमा में होती है। प्योर डी ऑरेंज इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट डिजीज में होती है। क्लियर हेलो अराउंड द न्यूक्लियस पेजियल डिजीज ऑफ निपल में होता है। होनीकोमा अपीयरेंस ब्रोंकियेक्टेसिस में होता है। थायरॉइडाइजेशन क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में होता है, ओके। प्यूर्स जाइगर सिंड्रोम में और इनके क्रिस्टोलाइट्स होते हैं तो वेलेडिक सेल ट्यूमर में देखने को मिलती है। क्रियो कट अपीयरेंस थैलासीमिया में होती है, ओके। इंटरफेस हेपेटाइटिस या
पीस मील नेकलॉसिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस में होती है, पेनकोस ट्यूमर हॉर्नर सिंड्रोम में होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ऑस्लर नोट्स होते हैं, स्प्लिंटर हेमलेजा जेनवेलियन है, तो ये सारी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होती है। जेल बैलन फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है, क्रूक हाइलेन शैनी पता नहीं क्या लिखा हुआ है कुशिंग सिंड्रोम में होती है, कुकी कटर स्पेस नॉन कोमेटो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो में होता है, ग्लो स्निफर हार्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता है, जॉन्स क्राइटेरिया पोलीआर्थराइटिस पैनकार्डाइटिस नोड्यूल्स एरिथेमा मार्जिनेटम सिंडिनहैम कोरिया में देखने को मिलता है, जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए स्पेसिफिक होता है, ड्यू क्राइटेरिया है। ओके, तो यहाँ पर जो ड्यू क्राइटेरिया, इसमें जो ब्लड कल्चर होती है, ऑर्गेनिज्म है, इको फाइंडिंग है, वैल्व डिजीज की और रिकर्जिटेशन होती है, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर होती है। रोकीटन्स की एश ऑफ साइनेसिस क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में होती है, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया है, विलर्स एट्रोफी एंट्रोपीथेलियल लिम्फोसाइटोसिस है, तो ये सिलिक डिजीज को इंडिकेट करती है, प्रोक्सिमल बिलीरी है, तो प्रोक्सिमल बिलीरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज होती है, साल्ट पेपर क्रोमेटिन के लिए होता है, हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में हार्टली सन देखने को मिलती है, लेज लाइक ऑस्टियोइड्स ऑस्टियोसारकोमा में होती है, चिकन वायर कैल्सिफिकेशन कॉन्ट्रो ब्लास्टोमा में होती है। ओके, इसके अलावा जो चिकन वायर कैल्सिफिकेशन और एग फ्राइड न्यूक्लियस ओलिगोडेंड्रोमा में देखने को मिलता है, ट्यूमर होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट का, सूडो रोसिट्स एपेंडायोमा में होते हैं, शिस्टोसोमा हिमाटोबियम ये स्क्वेमसल कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर करवाता है, शिलर ड्राइड न्यूक्लियाई होक्सैक ट्यूमर कराता है, कालेजनर बॉडी ग्रैनुलर सेल ट्यूमर होता है, सिग्नल ड्रिंग सेल ये होते हैं म्यूसिनस सीक्रेटिंग एडिनोकार्सिनोमा होते हैं, डिसटर्मिनोमा की जो क्लासिकल एग्जांपल है वो मेल में सेमिनोमा होती है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, न्यूट्रोफिल रेस्ट होते हैं, एल्वेड्रो स्कोरिंग भी होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हाइपरकैल्सीमिया करवाता है, हेयरिंग बोन पैटर्न फाइब्रोसारकोमा में देखने को मिलता है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट पुशिंग बॉर्डर्स में होता है, पेरिफेरल पल्सेटिंग बेसल सेल कार्सिनोमा में होता है, सूडो पल्सेटिंग मेंसेस है तो वो ग्लायोब्लास्टोमा, आगे क्लार ग्रेडिंग है मैलिग्नेंट मेलानोमा में होती है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा लॉरेंस ग्रेडिंग को फॉलो करता है, एम्फाइसीमा में अल्फा वाले एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में न्यूक्लियर मॉल्टिंग होती है, क्रिबिफॉर्म पैटर्न एडेनोइड सिस्टिक सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। ओके, एम्फाइसीमा में अल्फा वन ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, केराटिन पल्प स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होती है, सेमिनोमा रेडिएशन सेंसिटिव होता है, बैरेट एसोफेगस इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया करवाता है, एस्बेस्टोस मेसोथेलियोमा करवाता है, क्रिप्ट एब्सेस क्लासिकली होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, पीपल डिजीज में क्या होता है कि लैमिना प्रोप्रिया में फॉर्म सेल्स होती है। ओके, इसके अलावा क्या होता है, किमाल स्टील विल्सन नोड्यूल ये डायबिटिक किस में होती है, किमाल स्टील विल्सन नोड्यूल डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी में होती है, क्रॉनिक मायलोजिनस ल्यूकेमिया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोमा है, बर्किट लिम्फोमा रीड स्टर्मर क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, बर्किट लिम्फोमा में स्टेरियस का आई पैटर्न होता है, ऑर्फन आई न्यूक्लियस पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड में देखने को मिलता है, अमायलॉइड की डेपोजिशन है तो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड है, फोलिकुलर कार्सिनोमा इसमें इन्वेजियन कैप्सूल होता है और वेसल्स होती है, पोलीआर्थराइटिस नोड्यूजा फिब्रिनाइड नेक्रोसिस को फॉलो करता है, कैपोरिक में पीपीएन पैच प्लैक नोड्यूल होता है। ओके, यानी पैच प्लैक नोड्यूल है, एट्रियल मिक्सोमा लेपिडिक सेल में होता है, अनिश्को सेल रूमेटिक हार्ट डिजीज में होते हैं, हेमेंजियोमा पेरिसिटोमा स्ट्रैगहोर्न वैस्कुलेचर बनाता है, लियोमायोमा वॉच को फॉलो करता है, वॉच बॉडीज होती है वो श्वानोमा में भी होती है, न्यूरोफाइब्रोमा प्लास मास सेल्स को यहाँ पे क्या जीव लिखी हुई चीजें टूट टॉन्ट जॉइंट सेल्स एंड थेलिस्मा में होती है, मेडुलोब्लास्टोमा ड्रॉप मेटास्टेसिस को फॉलो करता है, पिलोसिटिक एस्टियोसाइट रिजेंटल फाइबर्स होती है, साइनोवेल सार्कोमा एपिथेलियल मेसेंकाइमल सेल का होता है। ओके, ठीक हो गया, इसके अलावा आगे चलते हैं हम, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, सिल्वर स्पाइक एसोसिएशन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर होती है, ड्यूशियन मस्कुलर ट्रॉफी वेडलिंग गेट करवाती है, योक सैक ट्यूमर अल्फा वन फीटा प्रोटीन का लेवल ज्यादा होगा, इओसिनोफिलिया होगा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, सार्कोइडोसिस में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, ग्लोमस ट्यूमर फिंगर और टॉस को इन्वॉल्व करता है, थायरोसेक्लेरोसिस में प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होता है, पैनकोस ट्यूमर हॉर्नर सिंड्रोम होता है, टोसिस मियोसिस होती है, डायबिटीज मेलिटस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, पिट्यूटरी एडिनोमा एमिनोरिया विद ग्रेक्टोयूरिया करवाता है, लोबुलर कार्सिनोमा ब्रेस्ट का तो वो पेरिटोनियम की तरफ फैल जाता है, लंप है ब्रेस्ट का और एक्सेसिव फिब्रोसिस है तो वो डेस्मोप्लीजिया करवाता है, सिलिकोसिस की वजह से फिब्रोसिस और ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसोफेगल मेलिंगजेंसी को इन्वॉल्व करता है, पोस्ट मास्टेक्टोमी मैस है तो वो लिम्फ एंजियोसार्कोमा हो सकता है, न्यूनेटल स्पीशीज में बैंड सेल्स देखने को मिलते हैं, न्यूट्रोफिल बैंड सेल है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म तो इसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई में एक्यूट नेक्रोसिस इन किडनी है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जबकि पैरोटिड ग्लैंड
जो इन्वॉल्व होता है सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर के अंदर, अल्कोहलिक सोरियोसिस है तो इसमें मलेरी हाइलिन बॉडीज होती है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में लिम्फाइड फॉलिकल विद जर्मिनल सेल होते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में लिम्फाइटोसाइट की बैलोनिंग होती है, न्यूक्लियर रिगेशन सोरियोसिस में होता है, क्रिप्ट एब्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, जबकि एजोपार्डी स्मॉल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स में होता है। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल बॉडी ऑफ फॉर एमसीक्यूज। बहुत सारी आपने नहीं पढ़ी होगी या बहुत सारी आपने पढ़ ली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब कर देना।